हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में भारतीय चित्रकला से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बुकों के बारे में सजेस्ट करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों के डिमांड थे कि बुकों के बारे में बताया जाए, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के बीच में आज बुकों को बताऊँगा। दोस्तों, ये बुकें नेट जी आर एफ, टीजीटी पीजीटी, केबीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और तमाम कंपटीशन की एग्ज़ामों में ये बुकें बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। और साथ ही साथ बीएफए, एमएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ये बुकें बहुत ही यूजफुल साबित होंगी। आप लोग केयरफुली इन बुकों को पढ़िएगा और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों से थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मार्केट में तमाम गाइडें मिल रही हैं, उन गाइडों को बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि उन गाइडों से आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चार पांच गाइडें आप पढ़कर आप कंपटीशन के बॉर्डर पर पहुँच लेंगे, परंतु फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लोग जब भी पढ़िए, किसी भी राइटर की ऑथेंटिक बुकें पढ़िए, टेक्स्ट बुकें पढ़िए और आप स्वयं अपने नोट्स बनाइए। आप देखिए, बहुत ही आप अच्छा गेन कर पाएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के बीच में ये सारी कुछ इजीली जो आप लोगों को ऑनलाइन बुकें मिल सकती हैं उसी के बारे में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। दोस्तों, मेरे पास तो बहुत बुकें हैं, आप लोग को वो बुकें बहुत ही ईजिली प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं ऑनलाइन, परंतु जो बुकें आप लोगों को सभी बच्चों को इजिली मिल सकती हैं उन्हीं बुकों के बारे परिप्रेक्ष्य में आज मैं बात करूंगा। परंतु फिर भी आप लोग उन बुकों के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोगों के यार दोस्त दूर दूर जैसे दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और कुछ इम्पोर्टेंट जगहों पर रहते हैं, तो वहाँ से कुछ बुकें जो हैं मिल सकती हैं, परंतु ऑनलाइन वो बुकें जो इम्पोर्टेंट हैं वो नहीं मिल पाएंगी। आप लोग कहेंगे तो मैं उनके बारे में भी बारी बारी से बता दूंगा, परंतु आज के बारे में जो मैं बुकें सजेस्ट करूंगा, आप लोग केयरफुली उन बुकों को पढ़िएगा और ये बुकें ऑनलाइन आप लोगों को प्रोवाइड हो सकती हैं। दोस्तों, आपको लास्ट में इन बुकों के अलावा तीन चार बुकों की मैं सजेस्ट करूंगा, उन बुकों को आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए जो भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को बुकों के बारे में। दोस्तों, जो बुकें आप लोगों के बीच में कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप लोग उन बुकों को ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों, जो मैंने बुकें देखा है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की कुछ इम्पोर्टेंट बुकें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुकें हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और आप लोग खुद इनकी वेबसाइट rajhindigranth@gmail.com पर जाकर आप लोग इनकी बुकों के संग्रह को भी देख सकते हैं और आप लोगों को जो जो बुकें इम्पोर्टेंट लगे आप लोग उनसे आर्डर से मंगवा भी सकते हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजन ऑनलाइन के द्वारा भी इन बुकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वो इम्पोर्टेंट बुकें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। दोस्तों, जो पहले आप बुकें देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम आप लोगों को सेलेक्ट बुकें ही बताएंगे। दोस्तों, ये बुकें जो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, दोस्तों ये इसके राइटर जो हैं वो रीता प्रताप हैं। ये बुकें जो ये बुक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, परंतु दोस्तों इसकी छोटी सी मैं आप लोगों को बारीक डिबैक बता रहा हूँ। दोस्तों, इस बुक में आप लोगों को भारतीय चित्रकला से लेते हुए स्थापत्य कला और मॉडर्न आर्टिस्टों के बारे में बहुत ही अच्छा संग्रह दिया हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिएगा, इस बुक में आप लोगों को जो दोस्तों डेट का है वो थोड़ी सी मिस है, क्योंकि राइटर को देखना चाहिए कि ये बुक में जो सन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा इसको संशोधन कर देना चाहिए। और इस बुक में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप लोग इस बुकों को पढ़ सकते हैं और आपको ये बुक जो है फंडामेंटल बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है और सभी के पास ये बुकें अवेलेबल हैं और आप लोग पढ़िए। बस थोड़ा सा इसके डेट को लेकर थोड़ा जो कन्फ्यूजन है आप थोड़ा सा उसको संभाल कर पढ़िएगा। इसके बाद भी भारतीय चित्रकला से रिलेटेड मैं आप लोगों को बुकें सजेस्ट करूँगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये इसके राइटर जो हैं वो डॉक्टर रीता प्रताप हैं और ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, भारतीय चित्रकला और स्थापत्य कला, और इसमें मॉडर्न आर्टिस्ट से रिलेटेड तमाम आप लोगों को इस बुक में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, आप लोग इस बुक को पढ़िए। दोस्तों,
नेक्स्ट जो हमने बुक आप लोगों के बीच में दिखाया है, आप लोग इन बुकों को सहारा ले सकते हैं। दोस्तों ये भी बुक बहुत अच्छी है, नाथ द्वारा चित्र शैली, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये वंदना जोशी के राइटर हैं और बुक के जो यहाँ पे प्राइजेज दी हुई हैं आप लोग भी देख सकते हैं। दोस्तों जो सेकेंड बुक है आप लोगों के बीच में, ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ। दोस्तों ये भी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके राइटर जो हैं डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही यूजफुल बुकें हैं। नेक्स्ट बुकें आप लोगों को बताना चाहते हैं हम। दोस्तों अगर राजस्थान संस्कृति कला एवं साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी और डॉक्टर शशि अरोड़ा देवड़ा की बुकें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बुक ये है दोस्तों, पाश्चात्य कला। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है पाश्चात्य कला, इसमें ममता चतुर्वेदी इसकी राइटर हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। वेस्टर्न आर्ट को जानने के लिए आपको इस बुक को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से ममता चतुर्वेदी जी ने बहुत ही अच्छे से इस बुक में बताया है। दोस्तों ममता चतुर्वेदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वो बुक है समकालीन भारतीय कला। दोस्तों इस बुक की खासियत ये है कि आप लोग को कंटेम्पोररी आर्ट्स की जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आप लोगों को इन बुकों में मैक्सिमम आर्टिस्टों को पिरोया गया है, संवारा गया है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी के द्वारा। आप लोग इस बुक का पिक किए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और इस बुक का हेल्प ले सकते हैं समकालीन अर्थात कंटेम्पोररी आर्टिस्ट को बारे में जानने के लिए। तो ये रही समकालीन भारतीय कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी का। दोस्तों वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड एक और राइटर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों ये है यूरोपीय चित्रकला का इतिहास डॉक्टर रवि साखलकर की, ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा दो बुकें लिखी गई हैं, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास और आधुनिक यूरोपीय चित्रकला का इतिहास। आप लोगों को ये बुकें दोनों बुकों को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ेंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है यूरोपीय चित्रकला, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बुक को मानिए और इसके राइटर जो हैं वो रवि साखलकर जी हैं, बहुत ही अच्छी ये बुक है, आप लोग इनके पिक को ये देखिए। नेक्स्ट जो बुकें हैं दोस्तों ये है कलाकोश, रवि साखलकर जी का ही है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है और इस बुक का सहारा आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बुकें आप लोगों के बीच में जो प्रेजेंट की गई है वो भारतीय मूर्तिशिल्प एवं स्थापत्य कला। दोस्तों इसमें बहुत ही स्थापत्य कला से रिलेटेड तमाम बातें दी गई हैं और इसके राइटर जो हैं वो मीनाक्षी काशीवाल भारती हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक का भी सहारा आप ले सकते हैं, इस बुक का सजेशन ये रहा। नेक्स्ट बुकें जो हैं वो ललित कला के आधारभूत स्तंभ जो इस बुक में दिया गया है, ललित कला के आधारभूत जो सिद्धांत हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में मिलेगा और इसके राइटर भी मीनाक्षी काशीवाल हैं और आपको इस बुक को भी पढ़ना चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोगों के ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित बुक आप सजेस्ट करना चाहते हैं उस बुक के बारे में बताना चाहते हैं, दोस्तों इसके राइटर जो है वो नरेंद्र सिंह यादव हैं और इनके द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई है ग्राफिक डिजाइनिंग की, ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका पिक ये है और इस बुक को आप लोग केयरफुली पढ़िए। ग्राफिक डिजाइनिंग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी नरेंद्र सिंह यादव जी की दूसरी जो बुक है वो विज्ञापन तकनीक से रिलेटेड है, आप लोग भी इससे जितने भी विज्ञापन तकनीक से रिलेटेड आप लोगों को जानकारियाँ चाहिए उनके द्वारा इस बुक को पढ़ सकते हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी बुक ये है कला के नवीन स्वरूप, इसमें भी दोस्तों भारतीय कला से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें दी गई हैं और जितनी भी बेसिक जितनी भी टेक्निक है वो इस बुक में दी गई है नरेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा।
बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप लोग इन बुकों का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों इन बुकों के अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट बुकें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उन बुकों को आप लोग बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो बुक। दोस्तों ये बुक है भारतीय चित्रकला का इतिहास। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का सिद्धांत डॉक्टर रीता प्रताप का, दोस्तों वो बुक पढ़िए या भारतीय चित्रकला का इतिहास। इन दोनों में अगर मेरे से आप पूछेंगे तो दोनों में जो बुकों का डिफरेंट है वो ये है कि जो रीता प्रताप की बुक है उसमें स्थापत्य कला भी उस बुक में आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जो भारतीय चित्रकला का इतिहास डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा और अनिल वर्मा की ये बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस बुक को भी पढ़ लीजिए, या तो वो बुक पढ़िए या तो उससे रिलेटेड ये बुक पढ़िए, आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक है। दूसरी है डॉक्टर आर ए अग्रवाल की भारतीय चित्रकला का विवेचन, ये भी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कला विलास। दोस्तों भारतीय चित्रकला का विवेचन है और इसके राइटर जो हैं वो आर ए अग्रवाल हैं, इस बुक को आप पढ़ लीजिए। दूसरी बुक जो है यूरोपीय चित्रकला का इतिहास रवि साखलकर की है, जो कि यूरोपीय चित्रकला का इतिहास और आधुनिक यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, इस बुक को आप वेस्टर्न के लिए पढ़ लीजिए। स्थापत्य कला से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो बुकें हैं, जैसे मीनाक्षी काशीवाल की मैंने आप लोगों को बताया वो बुक कॉपी की ये है, और कुछ इम्पोर्टेंट कला के तत्व के बारे में जो मैंने बुकें आप लोगों को इस तरह बताया, उन बुकों को आप लोगों को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बुकें हैं जो को आप लोगों को मैं अगले वीडियो में सजेस्ट करूँगा कि वो बुकें आप लोगों को कहाँ। दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट बुकें, आप लोग इन बुकों को सहारा ले लीजिए और बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अगले टॉपिक में आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट बुकें सजेस्ट करूँगा, आप लोग उन बुकों को पढ़ लीजिए, और कौन सी गाइड आप लोगों को पढ़नी है उसके बारे में भी मैं उस वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। और मार्केट की जो फालतू की गाइडें हैं उनको बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि वो लोग कॉपीराइटर बुकें हैं, क्योंकि उसी गाइड से सारे लोग मोटिवेट करके उसको लिखे हैं, तो मैं आप लोगों को लास्ट में उस गाइड का नाम जरूर बताऊँगा अगले वीडियो में। तो आज के टॉपिक में बस दोस्तों।